तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माने की आज हमारे सामने खड़ी है ये काफ़ी किफ़ायती स्कूटर, जिसका नाम है यार राइवर की तरफ से आने वाली इंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें आपको ऐसे ऐसे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जो ना तो आपने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल या यार स्कूटर्स में ही नहीं सुने होंगे ना देखे होंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो आप जब इसका फ्रंट का प्रोफाइल देखेंगे, ड्यूल LED हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ड्यूल DRLs देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट से देखने पर काफ़ी ज़्यादा हटके आपको देखने पर नजर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में रिवर की बैचिंग होने वाली है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ड्यूल सस्पेंशन होने वाले हैं फ्रंट में, जिनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और फर्स्ट इन सेगमेंट ये एक ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको 14 इंची के यहाँ पर टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर 110, 70 और 14, एक बार हम आपको इसका साइज़ दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 110, 70, 14 इंची का टायर होने वाला है। साथ में CBS ब्रेक यानी कि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, लॉय व्हील के साथ आता है। जो किफ़ायती फंक्शंस है वो हम आपको इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रेक देखो, देखो यहाँ पर आपको फ्रंट में और रियर में दोनों ही तरफ आपको डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर जो बिल्ट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, और खासकर राइडर का ध्यान रखा है, इसीलिए क्रैश गार्ड देखिए इसमें इनबिल्ट क्रैश गार्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट में भी। और यहाँ पर ये क्रैश गार्ड का भी काम आपका करेगा, साथ में आप इसमें एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। देखो ये इस तरफ जो लगा है ये एक्सेसरीज इसी पर लगी है, यानी कि क्रैश गार्ड का भी काम करेगा। अगर गिरेगी तो भैया आपकी हो जाएगी गाड़ी से, नहीं तो यहाँ पर आपका लग जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से आप उसमें बॉक्स भी लगवा सकते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ आप बॉक्स लगवा सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखो ये जो ग्रैब रेल है इसमें आप ये एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा के, और साथ में ये बॉक्स आप एक और लगवा सकते हैं, यानी कि स्पेस भर भर के दिया है अगर आप कमर्शियल पर्पस से ले रहे हैं तो। देखिए एक्सेसरीज देखिए यहाँ पर, ये वाली जो एक्सेसरीज है इजी टू रिमूव है, साथ में यहाँ पर आप बाहर पैर रखिए और अंदर सामान रखिए। और यहाँ देखिए मीटर में ज़्यादा झोल झमाल वाला काम नहीं है कि भैया बटन बटन से हो रहे हैं फंक्शन, सीधा चाबी दी है और सीधे चाबी से ही आप यहाँ से मीटर ऑन कीजिए और मीटर में आपको फंक्शन वगैरह तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे। फिर चाहे राइडिंग की रेंज की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, पावर वगैरह। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं, और ये IP68 रेटिंग यानी कि इसका इसमें आपका मोबाइल पानी वगैरह में ख़राब नहीं होगा। यहाँ से इसके मोड्स चेंज हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पर हैजर्ड लाइट का स्विच है, यहाँ पर टर्न ऑन इंडिकेटर होने वाला है। और जो खास चीज़ बनी है भैया वो है इस गाड़ी में यार इसका यहाँ पर बूट स्पेस, तो यहाँ बूट स्पेस चाबी से ही खुलेगा। देखिए चाबी वाला जो सिस्टम है मैनुअल वो काफ़ी बढ़िया होता है यार, यहाँ बटन वटन वाले जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी जाती है प्रॉब्लम। यहाँ पर चाबी एक बार हम आपको लगा के दिखा देते हैं, तो जब आप चाबी लगाएंगे तो सीधा ही आपका ये वो जो बूट स्पेस है वो यहाँ पर खुल जाएगा, और एक बड़ा बूट स्पेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक 43 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, इसके पहले 37 लीटर का एक आता था जो जुपिटर में जिसने सबसे पहले दिया था एक्स कनेक्ट वाले मॉडल में, लेकिन अब जो बूट स्पेस है वो उसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और भैया सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी अब ये हो गई है। और साथ में यहाँ पर देखिए तो रियर का एक बार हम आपको प्रोफाइल दिखा देते हैं, तो रियर का यहाँ से जब आप प्रोफाइल देखेंगे तो रियर में देखिए आपको LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। एक बार हम आपको इनको जला के दिखा देते हैं टेल लाइट किस तरीके से, तो यहाँ पर जब आप इसका मीटर में लगाएंगे चाबी तो भैया देखो टेल लाइट हो जाएंगी आपकी ऑन, और यहाँ पर LED टेल लाइट राउंड शेप में आने वाली है, LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखो एक बड़ी मोटर देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर 7 किलोवाट के करीब मोटर देखने के लिए मिलेगी जो 26 NM का आपको टॉर्क देगी। साथ में यहाँ पर टायर का पीछे का भी साइज 110, 70 और 14 इंची का टायर होने वाला है। आगे पीछे दोनों ही तरफ आपको डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, और पीछे में देखिए दोनों ही तरफ आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि यार किफ़ायती गाड़ी और सारी ही चीज़ें यहाँ पर किफ़ायती बनाई है। PMS मोटर यहाँ पर लगी है, मिड मोटर होने वाली है, जो एक पावरफुल मोटर होती है, झटका नहीं देती ये वाली मोटर। इसका इसकी खासियत ये होती है जो एक और मोटर होती है जो टायर में होती है हब मोटर, उसमें झटका आता है, लेकिन मिड मोटर में झटका नहीं आता। यहाँ पर एक बड़ी मोटर है, और साथ में बैटरी की बात कर लें तो लगभग यहाँ पर आपको 4 किलोवाट के करीब बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, और जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं चार्ज, या फिर फास्ट चार्जिंग के स्टेशन से भी करवा सकते हैं चार्ज। और साथ में 120 से 130 तक की राइडिंग की रेंज होने वाली है, मोड्स इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। साथ में USB चार्जिंग के सॉकेट वगैरह सारे ही फंक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके कलर वेरियंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक येल्लो कलर, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर, यानी कि 3 कलर वेरियंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो एक खास चीज़ ये है, इसको स्पेस टारगेट करते हुए बनाया गाड़ी को। एक बार हम आपको इसका यहाँ पर ये वाला भी
खोल के दिखा देते हैं। तो देखो भैया यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी स्पेस है 12 लीटर के करीब। और यहाँ पर रखा क्या क्या है, टूल किट रखी है, यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं, यहाँ पर 2 चार्जिंग के सॉकेट हैं, USB भी है और नॉर्मल भी। सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और चाबी देखिए कुछ इस तरीके से प्लेन चाबी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात कर लें तो लगभग 780 mm की सीट हाइट, 165 mm के करीब ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। खैर आपका क्या कहना है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर मित्रों कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको पसंद है राइवर हमारे हिसाब से यार एक किफ़ायती स्कूटर आपके लिए हो सकता है। खैर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।